बारिश से दिल्ली के मशहूर सदर बाजार का भी हाल बेहाल हो चुका है। सैकड़ों दुकानों के भीतर बाढ़ का पानी घुस गया और बारिश का पानी इस कदर सदर बाजार में नजर आ रहा है जैसे बाढ़ आ गई हो। सदर बाजार में पानी की निकासी का कोई ठीक बंदोबस्त नहीं है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर रोष है, नाराजगी है। इस वजह से हर बारिश में यहाँ पानी भर जाता है और कारोबार चौपट हो जाता है। लोग नाराज है। मशहूर बाजार है ये सदर बाजार, देश की राजधानी में। बारिश का पानी किस तरह से हाहाकार मचा रहा है ये देख लीजिए। कमर तक पानी भरा हुआ, कई जगहों पर तो कमर से भी ज्यादा पानी भर चुका है। खतरा है, देखिए लोगों का व्यापार चौपट, क्योंकि लोग आएंगे ही नहीं तो कैसे चलेगी दुकानदारी। और इसी के साथ कल 20 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का कीर्तिमान भी बन गया, रिकॉर्ड हुआ देश की राजधानी दिल्ली। और अभी कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी है देश के राजधानी के। हमने नीचे का सामान हटाना शुरू कर दिया, जैसे ही हटा के हटे ना पानी अंदर आना शुरू हो गया। दो तस्वीरें, एक तरफ सदर बाजार की तस्वीर देख रहे हैं क्या हालात हैं, और दूसरी तरफ जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार श्रीनिवासपुरी की। ये बघेल मंदिर के जस्ट सामने का है, अभी लाइव बना रहा हूं मैं वीडियो, देख लीजिए आप। तो देखिए दिल्ली में कल बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा और इस दौरान दर्जनों जगहों पर भारी भरकम पेड़ भी गिर गए। पेड़ गिरने से कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, ट्रैफिक पर भी इसका असर नजर आया है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आफत की बारिश किस तरह से गाड़ियां टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि इस पर पेड़ गिर गए। चूंकि लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के बाद क्या हालात हैं आपको हम दिखा रहे हैं एक तस्वीर। इस तरह की सैकड़ों तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली से आई हुई है। देखिए ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है क्योंकि इसी पर पेड़ गिर गया। और हर बार दावा किया जाता है कि बारिश से हम निपट लेंगे, इनकी जो भी इसका असर होगा वो कम होगा, लेकिन पूरी तैयारी सिर्फ कागजों में नजर आती है। कहीं नाला फट जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है दिल्ली में। जिस एमसीडी के पास दिल्ली से पानी निकासी का इंतजाम करने का जिम्मा है और उसी के दफ्तर पर भी पानी ने दावा बोल दिया। दिल्ली के एमसीडी हेडक्वार्टर के सामने रोड बारिश के पानी से लबालब हो गई और यहां आवाजाही तक मुश्किल हो गई। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एमसीडी मुख्यालय दिल्ली की। अब एमसीडी हेडक्वार्टर के बाहर तालाब जैसा नजारा दिखा, बच्चे इस पानी में उतर गए, मस्ती करते हुए नजर आए, देखिए जरा। और अधिकांश हिस्सों में दिल्ली के ऐसे ही हालात नजर आए हैं कल, और आज भी येलो अलर्ट जारी है बारिश को लेकर। मौसम सुहावना जरूर है लेकिन चुनौती बड़ी है। कई घर गिरे हैं, कई पेड़ गिरे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अब 3 तस्वीरें, एमसीडी मुख्यालय दिल्ली और सदर बाजार की बीच वाली तस्वीर, और उसके बाद श्रीनिवासपुरी दिल्ली की तस्वीर। हर जगह आप देख सकते हैं बारिश का असर कितना ज्यादा हुआ है, और कल चूंकि इतनी बारिश हुई है कि 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और उसके बाद से क्या हालात हैं दिल्ली के अधिकांश हिस्सों के वो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी लाइव बना रहा हूं मैं वीडियो, देख लीजिए आप।